जय भारत दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल डीकेएस लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, क्लास 12 की अकाउंटिंग में डीके गोयल सर की अकाउंटेंसी की बुक से जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें अब तक चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 29 पर पहुँचे हैं। और 29 तक का जो सफ़र था वो हमारा कुछ इस तरीके से था कि गुडविल का वैल्यूएशन, गुडविल की एडजस्टमेंट, न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो के बीच में लड़ाई, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग का क्या होना है, WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इस सारी बातें कर ली थी। गुडविल दो तरीके की होती है, हमने पहचानी थी, एक वैल्यूड और एक बैलेंस शीट वाली। आज हम गाइस बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 में, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 29 की तरह है और हमारी प्रैक्टिस को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कराएगा। ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं जो कि जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा 1:1:1 है, और ये दिया हुआ है यानी ये ओल्ड रेशियो होगा। इसके अलावा अगर कोई रेशियो दिया होगा तो वो न्यू रेशियो होगा बेटा, क्लियर है? ये कौन सा रेशियो है? ओल्ड रेशियो। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन हुई तो इसमें से होगी, और एडजस्टमेंट हुई तो ओल्ड में से, न्यू में से ओल्ड घटा दिया जाएगा। इसके बाद बेटा एक और दी हुई है, दैट इज 3:4:5, इसको हम लिख लेंगे 3/12, 3 × 4 = 7 और 5 = 12, 4/12। और मैं यहीं बता दूँ, ये ना सेक्रीफाइस करेगा ना गेन करेगा, यहीं बता दे रहा हूँ आपको। सर कौन सा जादू है बेटा? कोई जादू नहीं, कैलकुलेशन करते करते आप भी यहाँ पर पहुँच जाओगे। ये बेटा आपका न्यू रेशियो है। चलिए क्वेश्चन की क्या डिमांड है देखते हैं। क्वेश्चन बेटा आपसे बोल रहा है कि ऑन द डेट प्रॉफिट एंड लॉस शोड अ क्रेडिट बैलेंस। सर प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट बैलेंस है, जो कि प्रॉफिट होता है 90,000 रुपये का। पार्टनर डू नॉट वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट, मतलब अगर डिस्ट्रीब्यूशन करना होता तो ओल्ड रेशियो में करते, उसका बैलेंस क्रेडिट था, ख़त्म करने के लिए डेबिट, और पार्टनर्स को क्या कर देते बेटा? क्रेडिट। उसका बैलेंस डेबिट था, क्रेडिट था, ख़त्म करने के लिए डेबिट, और पार्टनर्स को क्या करते बेटा? क्रेडिट। पर ऐसा नहीं करना है हमें, अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है तो बेटा एडजस्टमेंट एंट्री डालनी है, और एडजस्टमेंट एंट्री के लिए आपको गुडविल की बेहद दिल से याद आनी चाहिए कि गुडविल में आपको क्या सिखाया गया था। गुडविल आपसे बोलती थी गेनिंग शेयर बराबर न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, जिसमें ए जो गेन करेगा मे बी सेक्रीफाइस भी कर सकता है, बी तो कुछ करेगा ही नहीं, पर फिर भी लिखना है, हमारी काम है, हमें जादू नहीं दिखाना। ए गेन भी कर सकता है और सेक्रीफाइस भी, जो करेगा तो न्यू शेयर बेटा क्या है उसका? 3/12 -1/3। तो बेटा ये सेक्रीफाइस करेगा कैसे? इसका एलसीएम आएगा 12, यहाँ पहले से ही 12 है, 3 में से 4 माइनस 4, समझते हो ना, 12 बनाने के लिए 4 का इंटू ऊपर नीचे करना पड़ेगा, 3 माइनस 4 ये आ जाएगा माइनस का 1/12। इसको बेटा हम क्या लिखेंगे? सेक्रीफाइस। वहीं बेटा बी को गेन ऑब्लिक सेक्रीफाइस, बी को गेन ऑब्लिक सेक्रीफाइस, वो बेटा किस तरीके से करेंगे? 4/12 -1/3। तो बेटा यहाँ कितना है? 4, और वहाँ भी कितना आएगा? 4 - 4। और भैया ने आपसे बोला था कि ये ना गेन करेगा ना सेक्रीफाइस करेगा, नो गेन नो सेक्रीफाइस लिखना फॉर्मेलिटी है मेरा, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। बात करेंगे बेटा सी की, और भैया पता है इसने सेक्रीफाइस कराया है और इसका कुछ हुआ नहीं, तो सी क्या करेगा? जादूगर बच्चे बोलो, सी गेन करेगा सर। देखिए 5/12 -1/3, 5 में से 4 गए, 1/12 आ गया आपका गेन, और गेन है तो बेटा डेबिट होगा। किस अमाउंट से होगा? जो भी बेटा प्रॉफिट्स होते हैं, हमेशा हमें प्रॉफिट्स पर खेलना है कॉन्सेप्ट नंबर 4 में, 3-3 बार यही बात कही गई थी। चलिए साहब सी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दें और ए के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दें, तो 90,000 रुपये इंटू 1/12 आएगा, 12×7=84 और 12×5=60, 7500 रुपये से बेटा ए डेबिट, सी डेबिट और ए क्रेडिट। बींग क्या बेटा? ये आपने डिस्ट्रीब्यूट किया? बींग नहीं, बींग अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टेड
एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट्स। गेनिंग सैक्रिफाइसिंग में होगा वो सबको पता है, थ्रू कैपिटल अकाउंट्स। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 31 आपके लिए इतना बेहद खास है कि देखो एक बात में मैं आपको बताया, मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा बातें करने की आदत है, बट जो भी बात होती है मुझे लगता है स्टूडेंट से कॉन्टैक्ट बना हुआ है मेरा अच्छा सा। बेटा बात सुनना, ये 31 क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जब आप अक्टूबर नवंबर में सैम्पल पेपर करेंगे ना, जब कभी आपको बोर्ड का क्वेश्चन करेंगे ना, जब कोई आपको सैम्पल पेपर 2020 2019 2018 करेंगे ना, ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। इतना रिपीटेड क्वेश्चन है ये, और क्यों है उसका रीज़न है बेटा कॉन्सेप्ट नंबर 4। कॉन्सेप्ट नंबर 4 में मैंने आपको धीरे 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 आगे बढ़ाया था, ओल्ड माइनस न्यू, फिर गुडविल पर ले गया था, फिर वैल्यूड गुडविल, बैलेंस शीट गुडविल, फिर मैं आपके आगे बढ़ा डब्ल्यू सी आर आई एफ आर जनरल रिजर्व ऐसा बताया था। फिर मैं बताता था कुछ आइटम आपको एसेट साइड मिलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू। सर ये तो लॉसेस होते हैं, शक्ल से ही लॉस दिख रहे हैं। गुडविल को भी ले लिया था मैंने एक तरीके से, भाई बैलेंस शीट की गुडविल एसेट साइड वाली लॉस होती है, इनको लॉस की नज़र से देखो, और प्रॉफिट के बीच में अगर लॉस आते हैं तो माइनस करना बेहतर होगा। नेट इफेक्ट का एडजस्टमेंट करेंगे हम, नेट इफेक्ट का, क्योंकि हमें एडजस्टमेंट करना है बेटा प्रॉफिट्स का। पर भाई प्रॉफिट्स के बीच में लॉसेस आ रहे हैं तो माइनस कर दो, प्रॉफिट्स के बीच में लॉसेस आ रहे हैं, हमारे दोस्तों के संग हमारे दुश्मन चले आ रहे हैं, हटा दो ऐसे दुश्मनों को। ये करते हैं बेटा हम बात, चलिए देखने इतना बेहतरीन क्वेश्चन है, 4 मार्क का एग्जाम में पूछा जा सकता है या शायद पूछा भी गया है इसी टाइप का। एक्स वाई एंड जेड प्रॉफिट्स और लॉसेस 532 और 235, मतलब समझ के पहला वाला ओल्ड है और दूसरा वाला न्यू है। बड़े दिनों बाद एक्स वाई जेड मिले हैं मुझे, 532 एंड 235। कौन बच्चा मुझे बताएगा कौन सा न्यू है कौन सा ओल्ड है? बड़ा पेन गिर पाया भाई आज। सर ये ओल्ड रेशियो है, इसका शेयर बनाएंगे 5/10, 3/10 एंड 2/10। इसको लिखेंगे ओल्ड रेशियो, शेयर ही है बेटा, रेशियो इसके लिए बोल रहा हूँ मैं। यहाँ बेटा लिखेंगे 2/10, 3/10, 5/10। कुछ बच्चे एक बात समझ गए होंगे, ठीक है, उन बच्चों को बोलूँ बेटा जीनियस हो आप एक बात समझ गए होंगे मेरा ये लिखने का रीज़न क्या है। सर ये ना गेन करेगा ना सैक्रीफाइस, पहले भी इसको वही हालत थी और इसकी अब भी वही हालत है, चेंज से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस ए सी की जगह पर चला गया और सी ए की जगह पर चला गया। मतलब जो कहानी होनी है वो ए और सी के बीच में होनी है, पर कैसे होनी है ये भैया आपको बताएंगे। दे डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट इफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। बोल रहे हैं साहब आप इफेक्ट डाल दो इनका, बोला अगर ये डिस्ट्रीब्यूट करने को बोलते बेटा तो प्रॉफिट है, क्रेडिट का बैलेंस है, डेबिट करता और पार्टनर को क्रेडिट करता, ओल्ड रेशियो में न्यू रेशियो को काम नहीं होता। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, लॉस है, डेबिट का बैलेंस है, खत्म करने के लिए क्रेडिट करता और पार्टनर को डेबिट करता। सर आप जल्दी जल्दी बोल रहे हैं बेटा, मुझे यूज़ नहीं है ना उस चीज़ का, सिर्फ क्लिक कराना है आपको, काम की चीज़ है बेटा ये, मुझे इनका इफेक्ट डालना है। और इफेक्ट डालने के लिए गुरु जी बताइए फॉर्मूला क्या होता है? सर फॉर्मूला होता है गेनिंग शेयर बराबर न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, ये होता है मित्र फॉर्मूला। फॉर्मूले के लिए आपको सबसे पहले एक्स गेन करेगा या सेक्रीफाइस हम नहीं पता, हम तो तैयारी कर रहे हैं, रिजल्ट थोड़ी देर बाद आएगा। न्यू है बेटा 2/10, सर पता चल गया सेक्रीफाइस है, वही सबको पता है, कुछ नहीं करेगा पर मौज लेगा, ना आ रहा है ना जा रहा है, बस खड़ा हो गया मुस्करा रहा है। पहले भी 3/10 और अब भी 3/10। सर निकालिए ना इनके आंसर, बट निकाल रहा हूँ। सर ये क्वेश्चन ना हमारे एग्ज़ाम में आ गया, हमें बड़ा सरल सा लग रहा है, इसमें तो एलसीएम भी लेना पड़ता था सर, इसमें तो एलसीएम भी नहीं लेना पड़ रहा है। अबे मुझसे गलती हो रही है, तुम लोग बता नहीं रहे हो। अबे यहाँ 5/10 था, मैं भी गलती कर रहा हूँ, तुम भी कर रहे हो, है उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। 5 में से 2 गए बेटा, 3/10, क्या करूँगा मैं इसको, क्या करूँगा रे। सही कर रहा था यार, आज क्या हो गया है, न्यू में से ओल्ड हटाना था यार। कितना टाइम हो रहा है, 1:30 बज रहा है, बुद्धि तो फिरेगी। सैक्रीफाइस इसका बेटा 0 और ये करेगा बेटा गेन। थोड़ा सा यार एडजस्ट कर लेना क्योंकि वीडियो में नहीं तो बहुत कटिंग हो जाएगी अगर मैंने एडिट किया तो। हाँ बेटा तो ये गेन कर रहा है और ये सेक्रीफाइस कर रहा है, इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। नहीं समझ में आएगा मैं दोबारा अपलोड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है।
साथ साथ करते जरूर है ना, बेस सेम है बेटा, तो मुझे एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। इसका पुराना नया था 2/10, पुराना था बेटा 5/10, तो इसलिए हो गया माइनस का 3/10। बिल्कुल सही कर रहा था मैं। चलिए सर कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब मुझे खेलना किससे? सर इससे खेलना है आपको, प्रॉफिट से खेलना होता था ना, चाहे गुडविल वैल्यूड होती थी, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस, चाहे जनरल रिजर्व, इतने सारे क्वेश्चन किए तुम लोगों ने, पर सर ये बीच में आ गया। तो दुश्मन को हटाने का एक ही रास्ता है सर, कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को माइनस कर दो। मैंने याद हो अगर किसी बच्चे ने ढंग से दिमाग से दिल से वीडियो करी हो कॉन्सेप्ट पर, तो मैंने बोला था बेटा नेट इफेक्ट लेते हैं, बड़ा बड़ा लाल कलर का ले यार तुम्हारे सामने ही है, काहे मैं इतना नाटक कर रहा हूँ, इसलिए सामने रखता हूँ कॉन्सेप्ट का रजिस्टर, याद करो। ऑल रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस पी एंड डेबिट एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। समझ में आया क्या? बचेगा तो एडजस्ट होगा, बटेगा या क्या करना है, सब चीज़ें बेटा बताइए कि ना। चलो फटाफट से, ये बेटा आपके एग्ज़ाम में सैम्पल पेपर्स में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, 48,000 कर देंगे ऊपर और 24,000 कर देंगे नीचे, मतलब सेम ही चीज़ है, उन्होंने डबल वैल्यू ले लिया। हमें किससे खेलना है बेटा? 12,000 से। नेट इफेक्ट कौन सा है? 12,000, मतलब नेट प्रॉफिट लिख लो इसे, चाहे नेट इफेक्ट, क्योंकि हम बेटा प्रॉफिट से ही खेलते हैं, तभी ये फॉर्मूला लगता है कि गेनिंग डेबिट और सेक्रीफाइसिंग क्रेडिट। डेबिट किसको करूँ? जेड को, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। 12,000 इंटू 3/10 सर, 3600, ये 3600, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 31, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। बीइंग अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कॉमा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट्स, कुछ नहीं लिखना होता भैया, बस कहानी, बस यार डरना नहीं है, बस थोड़ी सी मैं आलसी हूँ उसमें, डरना नहीं है नरेशन से बिल्कुल भी, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 31 आपका कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 32, बिकॉज दो पार्ट है, कुछ शायद नया सा मज़ेदार सा है और मेरे समझ से गुडविल वुडविल आ चुकी है, मज़ेदार क्वेश्चन है बेटा। 32-33 आपको जरूर कराऊंगा मैं, क्योंकि मुझे बहुत कुछ सिखाना है, फिर हम चलेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 5 की तरफ। सर क्या होने वाला है बेटा तभी पता चलेगा, अभी तो मुझे भी नहीं पता, बनाना स्टार्ट करूँगा आज से, कर किया नहीं अभी, पर जब भी बनाऊँगा बेहद बनाऊँगा, बेहतरीन बनाऊँगा, कोशिश करूँगा। बस कमेंट बॉक्स में मुझे मेरे फीडबैक ज़रूर दिया करो, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, अगर कितना सही कर रहा हूँ ये भी जान पाऊँगा तो भी बेहद खुशी होगी, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए अगर कुछ भी थोड़ा सा कर पाया तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी गाइस, अच्छी बात है, कभी कभी थोड़ी सी कर लेता हूँ। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑल।